ये जो बक्सा जी आपको दिख रहा है ना पीछे, इसके अंदर हमने डाला हुआ है अपना ऑनवलोप, जो कि लेके जाने वाले हैं BLS के लोग सबमिट करने के लिए इंडियन हाई कमीशन में, क्योंकि इसके अंदर सेंट्रा की इंडिया की स्पाउस वीज़ा की एप्लीकेशन है। और हम निकल रहे हैं बाहर और आज फिर टेम्परेचर है -21 डिग्री, तो इसीलिए हमने फैसला किया यहाँ से निकलने का। तो वो सारी डिटेल आपको ज़रा आज की वीडियो में बताते हैं, और थोड़े बहुत कुछ काम भी हैं वो भी निपटाएं, आपको दिखाएं कि यहाँ पे सिस्टम चल क्या रहा है। बाकी आपने देख लिया होगा मैंने थोड़ी नई जैकेट ले लिया, क्योंकि जी फिर एक ही ब्लैक जैकेट में सारा विंटर निकल जाता, तो इसलिए हमने छोटी छोटी शॉपिंग करनी शुरू कर दी है ताकि रील्स वगैरह बनाएं तो थोड़ा सा कलरफुल हो जाए और वही काला पजामा काली टी शर्ट ना जल्दी जाए। बाकी मेन अब यहाँ पे क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है, तो इसलिए हम यहाँ से निकलने का हमने पूरा मूड बना लिया है, क्योंकि सैंड्रा का पासपोर्ट तो गया अब इंडियन एम्बेसी, अब पासपोर्ट चला जाएगा तो ये कंट्री तो छोड़ नहीं सकती और इसको छोड़ के मैं अकेला जा नहीं सकता। सो वी विल हैव टू प्लान समथिंग विद इन कैनेडा मोस्ट लाइकली टुमारो, क्योंकि कल हम निकल ही रहे हैं। बड़ी जल्दी जल्दी में हमने प्लानिंग करी, क्योंकि होता ये है कि -20 -21 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ काम कोई नहीं रुकते। आप देख रहे हैं सड़कें हैं, अब किसी बंदे ने बैंक में नौकरी करने जानी है, वो सुबह उठेगा 15 मिनट पहले अपनी गाड़ी स्टार्ट कर देगा, बस एक यही डिफरेंस है, और बैंक पहुँच जाएगा, जॉब करेगा, शाम को वापस ग्रोसरी करता हुआ आ जाएगा। थोड़ा बहुत ट्रैफिक स्लो हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, मगर हम जैसे लोग जो घर बैठ के हमेशा वीडियोज़ नहीं बना सकते, हमें कॉन्टेंट चाहिए, बाहर निकलना ही निकलना है, कुछ ना कुछ करना ही करना है, हमारे लिए बड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है वही पर्टिकुलरली तब जब कैमरे पकड़ना काम और इतने सारे भारी भारी लोडेड कपड़ों में जो है शूटिंग करना, बंदा थक भी जाता है। ओ जी नाश्ता आ गया, नाश्ता ओहो, क्लोज द डोर, इट्स सो कोल्ड। कोविड के चक्कर में सारे बंद है, तो इसलिए हमको खाना तो गाड़ी में बैठ के ही पड़ेगा। हमने ऑर्डर कर दिया था, मैं जो चीज खाता हूँ मेरी एक ही फेवरेट है, मैं खाता हूँ जो कंस्ट्रक्शन करके, मतलब वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट के पास क्लोज होती है, और ये खाती है बेनेडिक्ट, दोनों दिखा देते हैं आपको। ओह दिस इज माइन, ओके, सनी साइड अप एग्स, बेकन, चिकन सॉसेज एंड लॉट ऑफ पोटैटो विद ब्रेड। ओके तो ये है जी मैडम के एग बेनेडिक्ट। व्हाट इज दिस? स्पिनच। ये नीचे एक ब्रेड होती है, उसके ऊपर फेटा चीज है, स्पिनच, और ये अंडे जो है इस तरीके से बना के रखे होते हैं। व्हाट इज दिस? ऑल इंडिया सॉस। इट्स द सॉस, या। ओके, ये सॉस जो है ना चीज एंड बटर एंड एवरीथिंग ये उसके ऊपर डाली जाएगी। ओके ओके ओके। मैडम बिना जैकेट के निकलाई है, कहती है मॉल में तो जैकेट की जरूरत नहीं होगी, पर हम पूरा सामान पहन के निकलते हैं। मैंने इसके नीचे भी एक वार्मर पहना हुआ, वरना कॉटन की है बहुत ठंड लगती है, इसलिए मैं ना जैकेट तो पहन के ही चलता हूँ। और मॉल इसलिए आए हैं क्योंकि ट्रिप पे जाएं तो थोड़ी बहुत शॉपिंग हो जाएगी, जरूरी थोड़ा सामान लेना, थोड़े कपड़े कपड़े ढंग के हो जाए ना, क्योंकि फिर एक बार ट्रिप शुरू हो जाए तो फिर इन चीज़ों का टाइम नहीं मिलता। पूरा मॉल ही खाली है, आगे से इसी एरिया में आया करेंगे शॉपिंग करने, खाली है। ये आ गया जी स्पोर्ट्स चेक, बहुत बड़ी स्पोर्ट्स मटेरियल की शॉप है, कई बार अच्छे डिस्काउंट भी मिल जाते हैं। यहाँ ये डंबल बड़े महंगे होते हैं कनाडा में, छोटे छोटे 500 रुपये के हैं 5 किलो का। एनीवेज मैडम ने सीधा क्लियरेंस पे धावा बोला है। But this one is too big. Yeah, but
Okay, I'll try a small size. They don't have, it's liquidation. Oh, okay. ये लगी हुई है जो रंग बिरंगी जैकेट्स जिनके अंदर हम कुछ देख रहे हैं थोड़ा अच्छा कलरफुल टाइप मिल जाए, एक रेड एक येलो एक ग्रीन टाइप एटलीस्ट मेरा लेने का विचार है। ये $100 की है क्योंकि आजकल कोई डिस्काउंट नहीं होता इन पे। भाई साहब ये तो बहुत ही बढ़िया लग रही है। How do you find it? I like it, but it's too small. I know, not my size. And this is last piece and I don't have available anywhere. समस्या ये हो गई है कि जो मेरी ग्रे ये वाली है टोपी एवरग्रीन, ये चलती ब्लैक के साथ है, अब ग्रीन के साथ ये पहनूंगा अजीब लगेगी, तो इसके साथ टोपियों की कॉम्बिनेशन भी चाहिए। अब यहाँ सारी जितनी टोपियाँ आपको दिख रही हैं उनमें से मैडम ने ये निकाली है तोतिया रंग की, अब पता नहीं कैसे लग रही है भाई साहब, आप ही बताना। दीज आर मैन ओनली और वुमेन ओनली और फॉर मैन ऑल्सो? दिस इज मैन सेक्शन। मैन वेयर विद दिस ऑल्सो? या व्हाई नॉट। No. I mean it's better than this one for sure. But this one, this is one of a kind. I never found anything like that ever. I picked it up from Bruges in Belgium. Oh, it's sexy. Yeah, our green. तो जी शॉपिंग वॉपिंग के गेड़े लगा के हम वापस घर आ गए। अब तो रात का टाइम हो गया, मेरे को इतना कुछ खास मिला नहीं है, तो बाल बड़े बेकार सेट हुआ है, इनका भी कुछ कराना पड़ेगा कल अगले टूर पे जाने से पहले। बट फिलहाल वी हैव एन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट। ये मतलब न्यूज़ तो नहीं, बट इट्स एन अपडेट दैट शी हैज़ फाइनली सेट अप हर इंस्टाग्राम एंड नाउ मैडम इज़ गना कम फुल टाइम ऑन हर इंडिविजुअल सोशल मीडिया स्टार्टिंग फ्रॉम इंस्टाग्राम। Indeed, better late than never. I never had Instagram in my life, so it's gonna be the first time, both personal and professional. प्रोफेशनल सोशल मीडिया क्रिएटर। ओके जी, तो इनका अकाउंट है life.with.sandra, जहाँ पे मैडम जो है अपनी स्टोरीज लाइफ फ्रॉम हर पर्सपेक्टिव, हर फोटोज, हर एंगल्स, हर रील्स, हर क्रिएटिविटी एंड हर डिसीजंस, ये सारी चीज़ें जो हैं आएंगी इनके इंस्टाग्राम के ऊपर। आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं टू कीप अप टू डेट विद सैंड्रास पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लाइफ। सो यू पुट सम पिक्चर्स एंड रील्स एंड समथिंग ऑलरेडी फॉर आवर सब्सक्राइबर्स हु आर गोना गो देयर? नो, इट्स बीन 5 मिनट्स Okay. And I would like you guys, if you can tell me what you think of the name, because that's been a struggle. Because as you know, my family name is very long. Now it's Beauchamp Manoucha. But Beauchamp itself is very difficult to pronounce for English people. Yeah, to spell. So I was trying to find something short and simple, and I think Life with Sandra is a good one. Yes, I think we will like, mostly Instagram anyways work on recommendations, but it should be easy for people to search it as well on Instagram. तो आप जी जाके मैडम की जो इन्होंने रील्स वगैरह बनाई हैं पिछले कुछ दिनों में, दो चार और डाली हैं, देख के कॉमेंट कर दीजिएगा that we are here or something like that on any of our pictures, so we know which loving subscribers are following her as well. So ye to ji baat ho gayi abhi Instagram ki madam ki, but to give you an update on what we are planning next. Now ab yahan pe thand bahut zyada, it's cold and we were not able to do much here, to isliye humne ye socha ki aapko comparison dikhaya jaye us कनाडा का जो कि ऑटावा टोरंटो या ईस्ट साइड के मुकाबले इतना ठंडा नहीं होता, विच इज़ ब्रिटिश कोलंबिया एंड बीसी। सो इट्स गोना बी अ शॉर्ट सीरीज वेयर वी आर गोइंग फॉर 10-15 डेज, क्योंकि पासपोर्ट तो इसका चला गया है, तो मेरा ही पासपोर्ट है अभी यहाँ पे, तो मैं तो ट्रैवल कर नहीं सकता अभी कहीं, और मैडम को छोड़ के थोड़ी कहीं जाऊँगा, एंड शी कैनॉट लीव कैनेडा। तो वी बोथ थॉट इट विल बी वाइज टू गो टू ब्रिटिश कोलंबिया बीसी, जहाँ पे वैनकूवर है, सो वी कैन शो यू अ कंपेरिजन कि कैसे
यहाँ पे कोल्ड कनाडा एंड नॉट सो कोल्ड कनाडा, ताकि आप लोगों को लाइफ जनरल उसके अंदर जो है एक कंपैरिजन देखने को मिल जाए. नॉट सो फ्रोजन लाइफ, नॉट सो फ्रोजन लाइफ. सो ये वो कनाडा है कि हम कंपेयर कर पाएंगे कि जब यहाँ -21 होता है तो वहाँ पे 4 या 5 डिग्री होता है, तो किस तरीके से जो है, और वो थोड़ा महंगा भी है इसके मुकाबले एज़ कम्पेयर्ड. तो वो सारे हम 10-12 दिन जब तक ये हमारे वीज़ा की डिसीजन आती है, तो इसलिए हमने सोचा हम वहाँ जाएंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे. एंड वी जस्ट बुक्ड द फ्लाइट्स आर बुक्ड राइट. यस, सो वी आर फ्लाइंग टुमारो इटसेल्फ, कल ही जा रहे हैं. और इट्स लाइक सो फार haven't unpacked yet our suitcase. हाँ, अभी तो हमारे पुराने वाले अनपैक नहीं हुए, वो करके दोबारा करने हैं. और वैनकूवर यहाँ से आप लगा लीजिए इतनी दूर है, जैसे आपने दिल्ली से अगर दुबई जाना हो तो 3.5 hours दिल्ली टू दुबई, एंड दिस वन इज 5.5 hours. इतनी दूर है, मतलब कनाडा के ऑलमोस्ट एक कोने से हम दूसरे कोने पे जा रहे हैं. वी आर गोइंग टूवर्ड्स द पैसिफिक ओशन. 5,000 kilometers का सफ़र है यहाँ से, जो मैंने रोड पे किया था पहले मोटर होम ट्रिप में, तब हमने वैनकूवर बहुत थोड़ा देखा था. बट दिस टाइम वी विल ट्राई टू स्पेंड सम टाइम 2-3 days इन वैनकूवर, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हैव सीन इट ऑलरेडी इन आर वीडियोज. And Victoria Island and travel around the Vancouver area to show you कि वहाँ पे BC basically British Columbia जो province है, या state कह लीजिए एक तरीके से, थोड़ा different होता है दोनों. But यहाँ पे जैसे हमारे इंडिया में state popular है या province popular है, तो हम जो है वहाँ पे जाके उसके आजू बाजू के शहर भी थोड़े से घूमेंगे Vancouver के आसपास, because Vancouver Island थोड़ा सा expensive ज़्यादा है. तो हम बस अभी वही उसी काम के अंदर तैयारी में लगे हुए हैं. आप प्लीज़ बताइएगा कि आपका क्या विचार है इस बारे में, क्या आप चाहेंगे कि हम वहाँ एक्सप्लोर करें, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. क्योंकि 10-12 दिन जितने दिन तक हमारे वीज़ा की डिसीजन नहीं आती, हम वहाँ जाना चाह रहे हैं. और फिर आगे चलते हैं तो आपको दिखाते हैं कि कैसे हमने वहाँ पे थोड़ा गाड़ियों का भी हिसाब किताब बनाया और कैसे प्रोविंस एक्सप्लोर करेंगे. वी आर होपिंग टू पैक सम सरप्राइजेस फॉर यू गाइस आल्सो इन द अपकमिंग जर्नी, जो जैसे जैसे हम जाएंगे तो आप लोगों को पता लगता रहेगा. फिलहाल जी डिनर का टाइम हो गया हमारा, तो हम थोड़ी रोटी शोटी खा लें और आगे बढ़ें. अभी तो वीडियोज आपको पता है हमारी बेसिकली तैयारी ही चल रही थी, और आज का पूरा दिन हमने उसी चीज़ की फाइनल प्रेपरेशन के अंदर निकाल दिया. तभी हम थोड़े से कपड़े वगैरह लेने चले गए थे, और जो जो ज़रूरी काम थे बैंक एंड एवरीथिंग वो निपटा ली हैं, क्योंकि फिर हम अपना शहर छोड़ के जा रहे हैं. तो इसलिए इन 2-3 दिन तो माजरत के हम कोई बड़ा स्पेशल कंटेंट नहीं निकाल पाए, बट आगे आगे की वीडियोस के अंदर हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हर दिन हमारी ज़िंदगी में भी बहुत डायनामिक या बहुत हैपनिंग नहीं होता. कोशिश करते हैं हम इधर से कितना बना लें. बट वीडियो ये वाली पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकॉन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.